तो यार आज की वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, ये श्योरली मैं आपको बता दूँ, ये आपको हेल्पफुल रहेगा जो मेथड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपके डिवाइस की भी चार्जिंग आपको स्लो देखने को मिल रही है तो ये किसी अपडेट वगैरह की वजह से नहीं हो रहा है। सडनली अगर आपके डिवाइस यहाँ पर चार्ज होना बंद कर देती है 60% पर 80% पर आने के बाद स्लो चार्ज होती है आपकी डिवाइस, तो ये किस वजह से हो रहा है एंड इसको आप किस तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हो, मैंने पर्सनली किया यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कौन से स्टेप्स या कौन से मेथड्स मैंने यहाँ पर यूज़ की थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो मेरे पास Realme की GT Master Edition डिवाइस है एंड इस डिवाइस में ये इशू मुझे कल फेस हुआ था, मगर उससे पहले मेरे पास जो iPhone की डिवाइस है उस डिवाइस में ये इशू मुझे कुछ दिनों से फेस हो रहा था। बट iPhone में ये जो इशू है तब फेस होता है जब यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, तब इशू फेस होता है। यहाँ पर iPhone ने मेंशन कर दिया कम्प्लीटली कि अगर आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपकी डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है चार्जिंग के वक्त आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से या फिर चार्जिंग की वजह से, तो 80% तक ही आपकी डिवाइस चार्ज होने वाली है, उसके बाद में आपकी डिवाइस चार्ज नहीं होने वाली। और एक हिसाब से अच्छा भी होता है आपके डिवाइस के बैटरी के हेल्थ के लिए, ये चीज़ अच्छी होती है कि आपकी डिवाइस ज़्यादा हीट ना हो, ज़्यादा हीट होते वक्त उसकी चार्जिंग ना हो, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी वजह से जो आईफोन के डिवाइस में ऑटोमेटिकली आपको पावर कट देखने को मिल जाता है। बट यार हर टाइम तो ये पॉसिबल नहीं कि बस आपके डिवाइस को आपको 80% तक ही चार्ज करना है, उससे ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करना है। कभी आप बाहर जाते हो तो आपके डिवाइस में अगर 100% चार्ज हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है, 80% चार्ज से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपली एक तरीके से बाईपास किया, किस तरीके से, एंड यही सेम मेथड मैंने Realme GT Master Edition डिवाइस पर भी अप्लाई की थी जब उस डिवाइस में चार्जिंग काफ़ी स्लो हो रही थी। आधे घंटे में लगभग 54% मेरा डिवाइस बस चार्ज हुआ था, हालांकि आधे घंटे में 100% डिवाइस चार्ज हो जाती है Realme GT Master Edition डिवाइस, क्योंकि उसमें फास्ट चार्जिंग आपको फीचर देखने को मिल जाता है। तो इसको मैंने सिंपली किस तरीके से बाईपास, देखो अगर आप आपके डिवाइस को चार्जिंग पर लगा रहे हो एंड अगर आपकी डिवाइस हीट हो रही है तो आपकी डिवाइस काफ़ी स्लो चार्ज होने वाला है, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। इसलिए आपको क्या करना है, आपकी डिवाइस का टेम्परेचर मेंटेन करना है चार्जिंग के वक्त भी। तो सिंपली अगर आपके पास रुमाल हो तो उसको आप गीला कर सकते हो और उस पर आपकी डिवाइस को रख सकते हो, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है कूल रहेगा आपके डिवाइस का एंड आपकी डिवाइस को चार्जिंग भी आपको फास्ट देखने को मिल जाती है। यही मैंने किया था दोनों भी डिवाइस में, ये वर्क करके मेरे डिवाइस आईफोन में एंड साथ साथ Realme GT Master Edition डिवाइस में, क्योंकि इस टाइम जो है आउटडोर का काफ़ी टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से बैटरी स्लो चार्ज हो रही है आपकी डिवाइसेस की। तो यार ये मेथड फॉलो करो एंड मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आपको इसका इफेक्ट देखने को मिला है।